उठो चिराग उठाओ ये आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पांव से मेहंदी की ये पांव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पांव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अम्मा पुष्पा ठीक है ना? घबरा मत बद्री, मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ वो उधर है पुष्पा। हाँ मैं देख लेती हूँ, तुम यहीं पे रुको। अम्मा पानी गर्म करो। अम्मा सब ठीक तो हो जाएगा ना? वो नर्स बहन जी अस्पताल ले जाने को कह रही थी। अरे क्या बोल रहा है तू? सारा गांव मिश्री और उसकी माँ के हाथ का जला हुआ है और तू लगा अस्पताल के भजन गाने? कुछ ना होगा, घबरा मत। ए, वो सब संभाल लेगी, फिकर मत कर। ना 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 भाभी, तो बच्चों सबको मिल गई अपनी अपनी रंग वाली किताब। जी माता जी। अरे एक किताब तो रहेगी मास्टर जी, वो कुसुम नहीं आई ना, ये उसकी होगी। अरे हाँ कुसुम तो आई नहीं, कहाँ है वो? कल तो आई थी। हाँ कल तो आई थी वो। मैं और राजू शाम को मिलकर पूछेंगे उससे। ठीक है मास्टर जी। अरे चिरंजीवी आओ, कैसे हो जुगनू? मैं अच्छा हूँ मास्टर जी। मास्टर जी जुगनू को स्कूल में वापस ले लीजिए। वापस? ये कहाँ गया था जिसे वापस ले लूं? ये तो इसी क्लास का विद्यार्थी है और रहेगा जब तक कि ये पास होकर बड़ी क्लास में नहीं चला जाता। बुरा मत मानना मास्टर जी, पर ये जात पात वाली बात तो मेरे बाप दादा के समय से चली आ रही है। उससे अलग हटकर सोचने की हिम्मत भी नहीं है मुझमें, इतनी अकल भी नहीं है कि सच झूठ का फैसला कर सकूं। पर इतना जानता हूं कि इसने पढ़ाई नहीं की तो ये कहीं का नहीं रहेगा। वक्त बदल रहा है चिरंजीवी, बाप दादा का समय कुछ और था, आज तो देश के कानून में भी जात पात पर रोक लग गई है। कानून की बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं जानता मास्टर जी, पर आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। लड़ाई झगड़े में मेरा कोई यकीन नहीं है, पर आपके साथ कोई ऐसा करे गलत है। उनकी भी कोई गलती नहीं है चिरंजीवी, वो जितना समझ सकते थे उन्होंने उतना किया। शिक्षा के अभाव में इंसान गलती करता है, दुख और गरीबी झेलता है। तभी तो वापस लेकर आया हूँ जुगनू को आपकी क्लास में। इन सबका मिल बैठ कर खाना मुझे आज भी पसंद नहीं मास्टर जी, लेकिन आप जो भी कह लो, पर मैं अपने जुगनू की पढ़ाई के लिए ये भी सहने के लिए तैयार हूँ। हम गरीब लोग हैं, बच्चे को शहर के बड़े स्कूल में पढ़ाने की हैसियत नहीं है हमारी। बच्चा कुछ बन गया तो बुढ़ापे में सहारा रहेगा। जा रे जाकर बैठ सबके साथ। अच्छा मास्टर जी चलता हूँ, अब मेरा ये बच्चा आपके ही कहे रहेगा। मेरे नहीं तुम्हारे भी कहे रहेगा, बस ध्यान रहे बात सच्ची अच्छी और बिना भेदभाव के होनी चाहिए, इसी में इसका भविष्य है। आराम से सोचना इस बारे में। नमस्ते। अरे भवरी दाई। कौन कौन है तू? पहचाना नहीं? अरे मैं सत्य की बहू खजूरी। अरे खजूरी तू तो बूढ़ी हो गई रे।
हाँ हाँ, जैसे तू तो जवान की जवान धरी है। अच्छा ये बता, तू कब आई? तेरे को देखे जमाना बीत गया। बस अभी दो रोज पहले ही आई हूँ। अब वक्त का कुछ पता नहीं खजूरी, सोचा आखिरी वक्त तो अपने लोगों में रहूं। अच्छा क्या चली आई? ये देख मेरे छोटे छोरे की बहू। ये ले बेटा। नमस्ते बहन जी। नमस्ते, कैसी हो चमेली जी? मैं ठीक हूँ। और आप कैसी हैं? ठीक हूँ, बस घुटनों में थोड़ा दर्द रहता है। अस्पताल में दिखाया? हाँ, छोरा कह रहा था लेके जाएगा। अच्छा बहन जी इनसे मिलो, ये हमारे गांव की बहुत पुरानी दाई भौरी दाई है। ये 25 साल के बाद गांव आई है। नमस्ते। भौरी इनसे मिलो, ये है गांव की नर्स बहन जी। नर्स बहन जी, तो क्या करती है बेटी? अरे ये भी गांव के बच्चों का और औरतों का बहुत ध्यान रखती हैं। तेरे जैसा ही काम है इनका, जच्चा और बच्चा का। अच्छा तो तू भी घर घर जाती है बेटी? हाँ, जब जरूरत होती है तो जाती हूँ। पर अब गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, मैं वहीं रहती हूँ। अब तो बहुत बदल गया है अपना राजपुरा। अच्छा अब मैं चलती हूँ, सरपंच जी ने बुलवाया है। नमस्ते। मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। अरे तूने कहाँ देखा होगा, साल भर पहले ही तो आई है। नारे खजूरी, देखा तो है मैंने इसे पहले भी। बहू जी। नमस्ते सरपंच जी। अरे बहन जी आइए आइए आइए, आपने बुलवाया था। हाँ बैठिए। पानी पियेंगे? नहीं। अब आपका घाव कैसा है? ठीक है, पर जो भी गांव में प्रभात फेरी के समय वो मारपीट हुई, अच्छा नहीं हुआ। अनपढ़ होने का दुख मैंने देखा है बहन जी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियां या गांव की कोई भी बेटी अब इस अंधेरे में रहे। लड़कियों को भी पढ़ने का, अपना भविष्य तय करने का हक है, और उन्हें यह हक दिलाने के लिए मेरे बस में जो भी है वो मैं करूंगी। और आपकी इस लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं। आप जैसी पढ़ी लिखी जिम्मेदार लड़कियों को देखकर ही हमें भी हिम्मत मिलती है। वो आज जब आप पर हुए हमले के बारे में सुना तो बहुत चिंता हो। वो कुछ गुंडे थे और रात का समय था, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहन जी आप थोड़ा संभल कर अपना काम कीजिए, देर रात को ज्यादा दूर जाना मैं जानती हूँ आपका काम ही ऐसा है, पर फिर भी। सरपंच जी समस्या काम की नहीं बल्कि दूर जाने में लगने वाले समय की है। जरूरत तो शायद एक गाड़ी की है जिससे बीमार औरतों और बूढ़ों बच्चों को जरूरत हो तो अस्पताल ले जाया जा सके। आप ठीक कह रही हैं बहन जी, वही गाड़ी आपके काम भी आ सकती है। अब देर सबेर गांव के लोगों को आपकी ही जरूरत पड़ती है, और फिर उन लोगों तक आपका समय से पहुंचना भी तो जरूरी है। मैं पंचायत में इस बारे में बात करूंगी, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। जी शुक्रिया, अगर ऐसा हो जाए तो काम करना बहुत आसान हो जाएगा, और फिर बीमार औरतों और बच्चों बूढ़ों को भी मदद मिल जाएगी। बाकी जैसा आप ठीक समझें। आप भली है बहन जी जो ऐसी बातें कर रही हैं, कोई और होता तो शायद गांव छोड़कर ही चला जाता। हमें कुछ तो करना होगा।